प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बिलासपुर पहुंचते ही एम्स के मुद्दे पर राजनीति को गरमा दिया। बारिश तूफान के बीच मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकालकर राठौर ने एक तरफ जहां सीएम जयराम को निशाने पर रखा, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भी नहीं बख्शा। बिलासपुर कांग्रेस भवन से शुरू हुई रैली बाजार से गुजरती हुई एम्स को राजनीतिक ड्रामा करार देती चली गई। पार्टी के जिला इकाई की कमान संभालने के बाद बंबर ठाकुर का भी ये पहला ही राजनीतिक शो कहा जा सकता है। इस मौके पर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए राठौर ने आरोप लगाया है कि जो एम्स को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है उसे बंद करना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने 4 लेन का काम शुरू करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में कांग्रेस शासन काल में एम्स के लिए जमीन मुहैया करवाई गई थी, और अब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो वोटों की राजनीति करने के लिए बीजेपी सरकार ऐसे ड्रामे करती है ताकि लोगों को गुमराह कर सके। उन्होंने कहा कि एम्स को लेकर जो बीजेपी सरकार बजरी पूजन की नौटंकी कर रही है, इसे बंद नहीं किया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। वो इसी क्षेत्र से है, यहाँ से विधायक भी हैं और आज वो केंद्र में मंत्री हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बहुत बड़ा पद होता है, और हिमाचल में अभी स्वाइन फ्लू से जो है 2 दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, हजारों लोग जो है स्वाइन फ्लू की चपेट में, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से और हमारी जो केंद्रीय मंत्री है उनकी तरफ से कोई राहत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा दुख का विषय। सर, आपकी सरकार आएगी तो एम्स का निर्माण पूरा होगा? सर, निश्चित तौर पे। आज हमने कहा है, उन्होंने तो झूठा वायदा किया है, हम 4 लेन का काम जोरों शोरों से शुरू करेंगे और एम्स का जो भव्य निर्माण है वो भी हमारी सरकार करेगी। इनसे भी पूछे पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, बूथ बूथ के अंदर जाकर के इस बात को फैलाओ कि जो MP अपनी निधि को खर्च नहीं कर सकता, माननीय राठौर साहब अपनी निधि खर्च नहीं करी, वो जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, जो विकास के लिए देश की सरकार से पैसा आता है, जो गांव की सड़क को पक्का करना है, जो गांव के अंदर हैंडपंप लगना है, गांव के अंदर नलका लगना है, गांव के अंदर नई सड़क बननी है, 8 साल की बिल्डिंग बननी है, वो पैसा अनुराग ठाकुर ने वापिस कर दिया। मोदी को बोला मेरा बिलासपुर स्विट्जरलैंड बन चुका है, यहां पर पैसा लगाने की जरूरत है। अब बिलासपुर के लोग पानी को तरस रहे हैं, बिलासपुर के लोग डॉक्टरों को तरस रहे हैं, बिलासपुर के लोग जो है थिएटर को तरस रहे हैं, अस्पताल के अंदर फेटर नहीं है, बिलासपुर के लोग जो है वो बिजली के लिए तरस रहे हैं, हमारी गलियां कच्ची हैं, हमारी सड़कें कच्ची हैं, और अनुराग ठाकुर पैसा वापिस कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर पैसा वापिस कर रहे हैं। जो MP पैसा नहीं लगा सकता उसको ना वोट मांगने का अधिकार है, ना हम उसको वोट देंगे, और बूथ बूथ पर जाकर के सारे कार्यकर्ता आज प्रण ले लो कि हर बूथ पर जाकर के बताना है कि अनुराग ने पैसे वापस कर दिए। बोले बिलासपुर के अंदर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सारे पैसे मोदी साहब अपने अपने पास रखो, मोदी को दे दिए वापस पैसे। जब उसने पैसा ही वापस कर दिया मोदी को, तो कल को फिर MP बनेगा तो फिर क्या खर्चेगा? क्या फिर खर्चेगा पैसा? जब इस 5 साल का पैसा वो बिलासपुर में नहीं लगा पाया, ऊना में नहीं लगा पाया, हमीरपुर में नहीं लगा पाया, कल में नंदरौर के पास बिलासपुर की जो बाउंड्री है भोरंज नगरों के पास हमने उसका पुतला जलाया, भोरंज के लोग कह रहे थे कि यहां पर भी उसने तो पैसा नहीं लगाया। तो जो अपनी निधि को खर्च नहीं कर सकता, लोगों की विकास के लिए पैसा नहीं दे सकता, उस MP को बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं है, उसको उसके पुतले भी जलाने हैं, और ताकि उसको पता लगे कि ये पुतले की कालख कहीं यहां पर मेरे मुंह पे ना आ जाए, ताकि वो बिलासपुर में आए ना।